बनाया, काफ़ी खूबसूरत मकान है इनका ये, और बाकी पैरिप्लेया भी जैसे मैंने आपको दिखाई दी। तो सब में अगर देखने की कोशिश करें तो सब में सेम ही काम है, और ये देख रहे हैं सेटरिंग का काम पड़ा हुआ है, मतलब सेटरिंग का सामान पड़ा हुआ है, और लेंटर के लिए सेटरिंग डलने वाली है इस पर। तो जय हिंद दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है, और मैं हूं मिशम शर्मा और आप देख रहे हैं द फैमिली एयर पर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, सर कितने गज के मकान है वो जो हम दिखाने वाले हैं? 45 गज के आपको मैं मकान दिखाने वाला हूं, जिसकी कीमत कितनी होगी? मात्र 15 लाख रुपए। आपको रेडी टू मूव 45 गज का मकान दिखाने वाला हूं, और जिसमें आपका काम जो रहने वाला है वो आप खुद देखेगा, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। और फिलहाल मैं कहां पर हूं वो मैं, इसे बोलते हैं दादरी बाईपास रोड, और दादरी से जो मैं हूँ करीब 5 किलोमीटर पहले हूँ आपका, और ये सीधा आपका अलीगढ़ बुलंदशहर को रोड जा रहा है। तो लालकुआ से अराउंड ये लोकेशन जो पड़ेगी वो आप 10 मिनट में लालकुआ से यहाँ पर 10 से 15 मिनट में आप इस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, और इस लोकेशन पे आसपास आपको काफी कॉलेज और हर चीज की आपको सुविधा मिलने वाली है। और मैंने आपकी सूरी चमन की वीडियो की हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। तो मैं आपको सूरी चमन में कितने मकान बन रहे हैं वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा चौड़ा हाईवे है आपका, और यहाँ आपको 24 कॉलेज हैं जो आपके रनिंग में हैं, जो चल रहे हैं, और यहाँ पर आपको पूरा ग्रीन वाला वातावरण मिलेगा। जैसे देख रहे हो बादल कितना आपको नीला दिखाई दे रहा है, साफ सुथरा, जो कि आपको दिल्ली में देखने को नहीं मिलता। और हरियाली देखिए यहाँ पर कितनी सारी हरियाली है आपकी। और ये आ गया अपना रोड, और बाईपास से जैसे हम चले तो थोड़ी ही दूर पे हम लेफ्ट लेने वाले हैं, और इस रोड से अराउंड आपका 700 से 800 मीटर की दूरी पे हमारा सूरी चमन आने वाला है। तो हम यहाँ से लेफ्ट ले चुके हैं और आगे चल के आपको और आपका पैरिप्लेया हाईवे जो मैंने आपको पहले दिखाया था, तो मैं आपको दिखा दूँ, तो सामने दिख रहा है आपको, और यहीं से मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका गेट आगे है, और यहाँ से हम एंट्री करते हैं। बाकी 365 बीघे में है ये आपका, और ये सामने भी घर बना हुआ है, और सामने तो देखेंगे उधर भी फैमिली रह रही है, और भी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो दिखाते हैं आपको आज 45 गज वाला मकान किस तरीके से होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, और बाकी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। उधर भी देख रहे हैं, उधर भी फैमिलियाँ रहती हैं, तो काफ़ी बड़ा एरिया है आपका, दो जगह से कनेक्ट है ये, एक NH-91 से, बाकी पैरिप्लेया हाईवे से जो मैंने आपको बताया। और बाकी हम दोबारा विजिट करने आए थे देखने कि कितना सूरी चमन में कितना फ़र्क पड़ा है, कितनी फैमिली आप शिफ्ट हुई हैं, तो वो देखने में आए थे। तो ये जो हैं आपके 45 गज के हैं, और इसमें आपको टोटल अभी जो है 8 मकान बनने हैं, 4 मकान इस साइड है और 4 मकान इसके बैक साइड है, और रोड जो है आपकी 20 फीट की रोड मिल रही है आपको इस घर के आगे। और बाकी क्या दे रहे हैं इसके अंदर वो हम देखते हैं इसके अंदर। अब ये आपकी, ये आपका यहाँ से जीना रहेगा जो कि आपका टेरेस की तरफ जाएगा, और एंट्री आपकी यहाँ से रहेगी, जिसमें आपको यहाँ बाइक पार्किंग ही कर पाओगे आप, क्योंकि 45 गज के अंदर ज़्यादा बड़ा कुछ आपको नहीं मिल सकता, 1 BHK ही मिलेगा आपको। और ये आपका सेफ्टी टैंक रहेगा, और यहाँ से दिखाते हैं ये आपका हॉल रहेगा, मतलब डाइनिंग हॉल रहेगा। और मिस्त्री साहब क्या हाल है? तो कब तक रेडी कर दोगे इसे आप? 3-4 दिन में। 3-4 दिन में लेंटर डाल दोगे? अच्छा, है एक हफ्ता लग जाएगा, देखो जाल भी बंधेगा। अच्छा, मतलब जाल बंध के फिर एक हफ्ते के अंदर लेंटर इसमें डल जाएगा। तो ये सब में एक साथ डाल रहे हो या अलग अलग डालोगे आप? सब में एक साथ डालेगा। तो टोटल 8 मकानों में 1 साल लेंटर डलने वाला है इसमें, और अराउंड मान के चलो ये आपका 1 महीने में शायद कम्प्लीट, 1 महीने में आपका फिनिशिंग वगैरह हो जाएगी? नहीं, 1 महीने से 10-5 दिन ज्यादा भी लग सकते हैं। 2 महीने मान के चलिए तो 2 महीने में हो जाएगा। ये आपका क्या बाथरूम है, ये क्या रहने वाला है? ये बाथरूम है। ये आपका लेटरिन बाथरूम रहेगा, और एक ये रूम रहेगा। इसका साइज क्या होगा रूम का? ये है 8x9। ना 9x10। हाँ 9x10। तो ये 9x10 का रूम है आपका, और उसका फ्रंट कितना है? 15 फ्रंट है, और गहराई? अच्छा, तो उसकी मैं वो अभी आपको कंफर्म करता हूँ। ये आपका किचन रहने वाला है ना? हाँ जी। तो ये आपका किचन रहने वाला है, और हमारे मिस्त्री साहब सारे लगे हुए हैं धूप में, देखिए काम कर रहे हैं, बड़ा मेहनत का काम होता है घर बनाना। तो ये है 45 का मकान, और इसका जो फ्रंट है मेरे को अभी क्लियर नहीं है, और जैसे ये बोल रहे हैं 15 बाई
27 का, तो वो हो सकता है। बाकी मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ जो दूसरे मकान है वो कितने कम्प्लीट है। तो सब में अगर देखने की कोशिश करें तो सब में सेम ही काम है। और ये देख रहे हैं सेटरिंग का काम पड़ा हुआ है, मतलब सेटरिंग का सामान पड़ा हुआ है और लेंटर के लिए सेटरिंग डलने वाली है इस पर। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो सेम जो पीछे कंडीशन है मकानों की, सेम कंडीशन और सेम साइज है आपका। और इसमें अराउंड करीब आप फिर भी 2 महीने मान के चलिए, 2 महीने में इसमें आपका आपको पोजीशन मिल सकती है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप 2 महीने में आपको इसमें पोजीशन मिल जाएगी, क्योंकि काम इसमें अराउंड करीब मान के चले तो 40% करीब काम रह गया है, क्योंकि लैंडर डलने के बाद भी इसमें फिनिशिंग का जो काम रह जाता है वो भी काफ़ी रह जाता है, तो वो आपको 2 महीने के अंदर मिल जाएगा। तो ये है आपका सूर्य चमन, और जैसे मैंने आपको दिखाया था ये आपका आपके हमेशा रहने वाला है, क्योंकि ये आपका वन विभाग का है, आपका पूरा एरिया काफ़ी बड़ा वन विभाग है। चलो बाकी मैं आपको यहाँ से और कुछ दिखाता हूँ। तो बाकी ये देख रहे हैं सामने आपके काफ़ी लोग हैं जो अपने घर बना रहे हैं, जिस पे पैसा ज़्यादा है तो उसके हिसाब से बड़ा मकान बनाता है, और जिसके पास पैसा कम है तो वो अपना छोटा मकान बना लेता है। तो हर टाइप के आपको उसमें मकान देखने को मिलेंगे। और सामने देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत मकान बना हुआ है ये सूर्य चमन के अंदर, तो जिन्होंने बनाया काफ़ी खूबसूरत मकान है इनका ये। और बाकी पैरिफ्लाया भी जैसे मैंने आपको दिखाई दिया, बाकी मैंने आपको अभी मकान दिखाए हैं, टोटल 8 मकान है, तो 8 हो गए 8 सेल के लिए हैं। और इसमें जो मैंने आपको जैसे बताया 2 महीने के अंदर पोजीशन मिल जाएगी, और तो उसका जो प्राइस है वो 15 लाख रुपये है। इसमें आपको 12 लाख रुपये तक आपको उसमें लोन हो जाएगा, और इसमें 3 लाख रुपये करीब आपको उसमें देना होगा, मतलब आपका 80% तक इसमें लोन होगा। और उस लोन डाउन पेमेंट के अलावा इसमें आपका जो चार्ज लगता है वो लगता है रजिस्ट्री चार्ज। तो यह है आपका 80%, मैंने आपको लोन बता दिया। तो आपको अगर लेना हो तो आप बता सकते हैं, मैं आपको उसकी विजिट के लिए मैं आपको नंबर दे दूंगा जहां आपको जाना है, तो आप विजिट कर सकते हैं। और बाकी सूर्य चमन जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया बना रखी है, तो बाकी यहां से कॉलेज स्कूल वगैरह सब पास है, और लाल कुआ से ये करीब आपका 15 मिनट की दूरी पर है, और ये बादलपुर के पास पड़ती है। जो पूर्व मुख्यमंत्री जो मायावती हैं उनका यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही घर है बादलपुर के अंदर, और ये बादलपुर एरिया में ही आती है। बाकी यहाँ पर आपको पार्क स्कूल कॉलेज हर चीज़ की सुविधा मिलेगी, क्योंकि मायावती जब तक यहाँ पर रही थी तो काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पर कर चुकी थी, तो काफ़ी बेहतर है। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, और चलते हैं फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।